मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि थोड़ा लोकेशन चेंज हो सके। मैं बार बार वीडियोस में लोकेशन चेंज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा भी ड्यूटी रहता है और ड्यूटी के बाद रूम पर ही वीडियोस बनाना पड़ता है। दोस्तों, मेरे पीछे आप दो अप्रेंटिस देख रहे हैं। मैं इनको क्यों खड़ा किया हूँ आप एक दो मिनट में जान जाएंगे। दोस्तों, ये दोनों लोग एक ही डीजल सेट में काम करते हैं, एक ही साथ दोनों लोग ज्वाइन किए हैं और एक ही साथ दोनों का अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाएगा। फिर भी इन लोगों को एक का कम स्टाइपेंड मिलता है और दूसरे का ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है। इसी विषय पे हम आज बात करने वाले हैं, क्यों एक आदमी को कम स्टाइपेंड मिलता है और दूसरे को ज़्यादा मिलता है। जो लोग अप्रेंटिस नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ कि अप्रेंटिसशिप होता है ITI करने के बाद आप किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदे हैं कि जिस भी कंपनी से आप कीजिएगा वहाँ आपको छूट दिया जाएगा, सिर्फ उसी कंपनी में छूट दिया जाएगा। यदि आप रेलवे से करते हैं तो रेलवे में आपको अधिक से अधिक छूट मिलेगा। कहने का मतलब है जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसमें 20% सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों के लिए सीट रहेगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है सिर्फ ग्रुप डी में। अगर रेलवे से आप करते हैं तो ग्रुप डी में आपको छूट मिलता है। चलिए अब उनसे हम बातचीत करते हैं। सुधाकर जी, आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, आपका सैलरी अभी कितना मिल रहा है? आपका स्टाइपन सैलरी नहीं कह सकते हैं, स्टाइपन कहेंगे 8658 रुपीज़, 8658 रुपया इनको मिल रहा है। और आप? हमारा 9741 रुपये, 9741 रुपीज़। हाँ, अंतर देख लीजिए आप। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अंतर है, इनको स्टाइपन अलग अलग क्यों मिलता है। अच्छा, ये बताइए, आप ITI गवर्नमेंट से किए हैं कि प्राइवेट से किए हैं? हम गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं। गवर्नमेंट से किए हैं। और कितने साल का ट्रेड किए हैं आप? 1 ईयर का ट्रेड है। ठीक है, 1 ईयर का। कौन सा ट्रेड किए हैं? मैकेनिक डीजल। ए मैकेनिक डीजल किए हैं। 1 ईयर का कोर्स। 1 ईयर का कोर्स किए हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इनका 8658 रुपया स्टाइपन मिलता है पर महीने। अब इनसे बात करेंगे, आप कहाँ से IT किए हैं? कौन? मैं अपने यहाँ से किया हूँ और वहाँ पे मैं 2 ईयर प्राइवेट किया हूँ और मैं 2 ईयर का किया हूँ ITI। 2 साल का किया? 2 साल का किया है। मेरा इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा, इनका इलेक्ट्रीशियन है। हाँ, और ये 2 साल का किए हुए हैं। कहाँ से किए हैं? मैं अपने यहाँ से, एक प्राइवेट है वहीं से किया। नाम बताइए उसका। कृष्णा चतुर्वेदी ITI कॉलेज है जो हमीदपुर बनारस में पड़ता है। अच्छा, बनारस से किए हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रीशियन है और इनको कितना बोले हैं? मेरा 9741 रुपीज़, 9741 रुपया इनको मिलता है स्टाइपन पर महीने। आप डिफरेंस देख सकते हैं 8658 और 9700 कुछ रुपया, इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। इन्होंने किया है 1 साल का ट्रेड और इन्होंने किया है 2 साल का ट्रेड। यदि जब इनको नौकरी मिलेगी तो उस हिसाब से अच्छा इनको काम भी दिया जाएगा। मान लीजिए इनको टेक्नीशियन का जॉब मिलता है तो इनको इलेक्ट्रिक संबंधित ही काम दिया जाएगा। और ये जो ट्रेड किए हैं इनके ट्रेड के अनुसार ही अधिकतर चांस ही रहता है ट्रेड के अनुसार ही काम मिले। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग यदि ITI करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ऐसा ट्रेड का चुनाव कीजिए जो आगे भविष्य में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। धाकर जी, कुछ कहना चाहते हैं और सुनते हैं इनकी बात। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कुछ ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं है क्योंकि हम जिस शेड में काम कर रहे हैं वहाँ का लक्ष्य है 2025 तक पूरा मतलब डीजल लोगों को इलेक्ट्रिकल में करने के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल में ही करेंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में। क्योंकि हमारे देखने में अभी लग रहा है कि बहुत लोगों को, चाहे जो नए लड़के आ रहे हैं उनको मैकेनिकल को होते हुए भी इलेक्ट्रिकल का काम सिखाया जा रहा है। एकदम एकदम, क्योंकि आने वाले समय में अब सभी इलेक्ट्रिकल होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आने वाला भविष्य में रेलवे में सबसे ज़्यादा फ्यूचर है तो इलेक्ट्रिक का। जो मैकेनिकल से कर चुके हैं उनको भी इलेक्ट्रिक काम करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में सभी लोग को, जो भी डीजल इंजन आप देख रहे हैं वो आने वाले समय में बंद हो जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बच जाएंगे। मेरे बताने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा
कि दोनों अप्रेंटिस में से एक का स्टेपन क्यों कम मिल रहा है, एक का ज़्यादा क्यों मिल रहा है। यदि अभी तक आपको नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं। एक को इसलिए कम मिल रहा है, एक ने एक साल का कोर्स किया है और दूसरे ने दो साल का कोर्स किया है, इसलिए इनका स्टेपन में लगभग 1083 रुपये का अंतर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।